वेलकम दोस्तों, ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंजीनियर एसके समेले योग गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मन को नियंत्रण में कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल माइंड, माइंड को कंट्रोल हम कैसे करें। तो पहले हमें ये समझना पड़ता है कि व्हाट इज माइंड। माइंड इज द फ्लो ऑफ थॉट्स, माइंड इज द फ्लो ऑफ वेव्स, मन की तरंगों का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, वो सूक्ष्म होता है, दैट इज द सटलेस्ट फॉर्म। सो नो बडी हैज सीन माइंड इनसाइड अवर बॉडी, इवन ए डॉक्टर, ए सर्जन, दे हैव नेवर सीन द माइंड। बट ब्रेन अलग चीज है, माइंड बिल्कुल अलग चीज है। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए आदि काल से, जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से पहला मनुष्य जन्म लिया है, तब से लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जो मन की गति है वो बहुत ही पावरफुल है। सूर्य की किरणों की गति से ज्यादा तेज है, वायु की गति से ज्यादा तेज है, और पानी की गति से कहीं अधिक, कई गुना तेज है मन की गति। सो वेलोसिटी ऑफ द माइंड इज मोर देन एज द वेलोसिटी ऑफ द सनलाइट, वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो इतना तेज चलने वाला मन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आई कैन टाई अप द होल एयर, आई कैन प्रोड्यूस गंगा एट एनी प्लेस, बट आई कांट कंट्रोल माई माइंड। Then Lord Krishna replied to Arjun, Arjun, it can be controlled, mind can be controlled by the continuous practice of yoga, abhyas, vairag, meditation, pranayam, all these things. तो योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं कौन सी टेक्निक है जो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन की, डीप ध्यान में उतरा जाए। तो लोग चाहते हैं कि एक महीने के अंदर मन कंट्रोल हो जाए, 10 दिन उन्होंने मेडिटेशन किया, प्राणायाम किया, त्राटक किया, बोलते गुरुजी असर नहीं हो रहा है। ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये सतत चलने वाली नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये जीवन भर करने वाला एक अभ्यास है। मैं अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं, आई एम डूइंग मेडिटेशन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक सिंस 25 ईयर्स। मैं लगातार 25 वर्षों से बिना ब्रेक के लगातार अष्टांग योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब कर रहा हूं। तब जाकर के जो हमारा माइंड है वो तब जाके बहुत कुछ नियंत्रण में आ गया है। अब मन हमेशा ब्लिस की स्टेज, ऑलवेज बैलेंस स्टेट ऑफ द माइंड, हमेशा आनंद की अवस्था, हमेशा खुशी की अवस्था में अब रहता है। तो ये स्थिति पाने के लिए हमें आपको लगातार, और प्रक्रिया लगातार जारी है, जीवन भर करने वाली है, तो इसकी शुरुआत मॉर्निंग से ही हो जाती है। मन को नियंत्रित करने के छोटी छोटी चीजें भी हमें जीवन में टिप्स के रूप में लानी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी नींद खुलती है और हम सीधे तुरंत आंखें खोल के ये दुनिया भी चीजें, भौतिक जगत की चीजों की तरंगे आंखों के थ्रू हमारे मेंटल प्लेट पे जाती हैं, तो दिन की शुरुआत ही हम गलत कर देते हैं। जबकि दिन की शुरुआत ये हो कि हम बिना आंखें खोले, नेत्र बंद करके सीधे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो आसानी से आपसे बने, उस आसन में बैठ करके सीधे क्राउन चक्र में, सहस्रार चक्र में जाकर के भगवान शिव को देखिए ध्यान कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन कीजिए, आप सरस्वती, आप जिस गॉड को मानते हैं, अल्लाह ताला का कीजिए, जीसस क्राइस्ट का कीजिए, भगवान महावीर स्वामी का कीजिए, भगवान बुद्ध का कीजिए, किसी न किसी को आप, पहली तरंग जो माइंड के मेंटल प्लेट पे पड़े वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, स्पिरिचुअल वेव, क्योंकि वो वेव पूरे दिन प्रभावित करती है। तो जब स्पिरिचुअल वेव से शुरुआत होगी तो बाकी दुनिया की जितनी भी भौतिक जगत की तरंगे हैं वो सब हमारे माइंड पे पड़ेंगी तो उनका असर नहीं होगा, और शुरुआत हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ में होनी चाहिए। और जो सेल्फ हिप्नोसिस है, स्वसम्मोहन है, उसके द्वारा भी आप अपने माइंड को सोने के पहले, सेल्फ हिप्नोसिस का जो पूरा टेक्निक है, लगभग 20 मिनट लगते हैं उसमें, उसको करके आप अपने माइंड को सजेशंस, एफर्मेशंस दे करके ठीक सोने के पहले और जागने के ठीक बाद आप रोज अभ्यास जब करेंगे कि माई माइंड इज कंट्रोलिंग, हमारा मन पूरी तरह से शांत और नियंत्रित हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आप कि आपका माइंड पूरी तरह से धीरे धीरे धीरे, और रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस,
रोज कहना चाहिए प्राणायाम का अभ्यास है। लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सीधे ध्यान की बात करने लगते हैं, बीच के स्टेप छोड़ देते हैं, इसलिए सफल नहीं होते हैं। और जब तक प्रॉपर गुरु के द्वारा विधिवत टेक्निकल ढंग से साइंटिफिक ढंग से जब तक मेडिटेशन नहीं सीखते हैं, मंत्र नहीं लेते हैं, तब तक लोगों को ढेर सारे वीडियो देख देख कर लोग करते हैं, उसका उतना लाभ नहीं होता। मेहनत बहुत अधिक होती है उसमें और जो रिजल्ट है वो 10% निकल के आता है। तो बिना गुरु के, बिना प्रीसेप्टर के, पहुंचे हुए सतगुरु तत्वदर्शी के, उनके चरणों में जाकर के उनके जो है प्रणाम करके और उनसे निवेदन करके फिर हमें मेडिटेशन और पूरे अष्टांग योग को सीखना चाहिए। तब जाके हमारा धीरे धीरे, क्योंकि मन की वर्किंग बड़ी जबरदस्त है, जो माइंड है हमारा, जैसे ही हम सांस अंदर खींचते हैं तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो इट इज नॉट ए सिंपल इनहेलिंग बट ए वाइटल फोर्स, एक एनर्जी, एक ऑक्सीजन हमारे भीतर अंदर जाती है। तो जैसे ही हम जो प्राण वायु हम अपने अंदर लेते हैं, ये जाके 10 भागों में विभक्त हो जाती है, पंच अंतर वायु और पंच बहिर वायु, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 5 अंतर वायु में विभक्त होती है, पंच अंतर वायु में विभक्त होती है। और पंच बहिर वायु है जो हमारी, उसमें नाग कूर्म ककरज देवदत्त और धनंजय, तो ये 5 बहिर वायु, ये सभी 10 वायु का हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन है पूरा, इसको डिटेल में समझना पड़ता है। तो जब जाकर के फिर हमारे अंदर जैसे ये 10 भागों में विभक्त होती है तो फिर हमारे माइंड के मेंटल प्लेट पे डिजायर्स की तरंगें उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं की तरंगें होती हैं, हमारी वासनाओं की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जैसे ही वो तरंग उत्पन्न होती है तुरंत वो हमारी जो मोटर ऑर्गन्स हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है माइंड। और माइंड आपको बताएं इतना ज्यादा पावरफुल और चंचल है कि एक दिन भर में लगभग 50-55 हजार से 70-75 हजार विचार प्रतिदिन माइंड में आते हैं। तो इसको बड़े ही टेक्निकल ढंग से बहुत किया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। मन एकदम शांत, ओवर थिंकिंग से आप बच जाएंगे, निगेटिव थिंकिंग जो दिन भर आती है उससे भी बच जाएंगे, लेकिन इसको प्रॉपरली हमें सुबह शाम इसका अभ्यास करना पड़ता है, किसी अच्छे गुरु से सीख के, केवल यूट्यूब चैनल या कहीं से भी पढ़ के या गूगल में सर्च करके या वीडियो देख करके आप अच्छे से ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए विधिवत अपन को पूरी तरह सीखकर और रोज उसका सुबह और शाम हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो जब हम डेली सुबह शाम, उसमें मंत्र का भी वैल्यू होता है, मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें विड्रावल ऑफ द माइंड फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, देयर इज टेक्निकल प्रोसेस है, एक टेक्निकल विज्ञान है, एक टेक्निकल बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिक है कैसे हम विड्रा करें मन को, ये लोगों को आता नहीं है, वो हम सिखाते हैं लोगों को जो हमारे पास आते हैं, टेक्निकल ढंग से कैसे हम विड्रा करें बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से। मन जब तक विड्रा नहीं होता है तब तक जब आप ध्यान में बैठते हो सारी दुनिया की चीजें, सारी दुनिया की बातें आपके माइंड में आती हैं और हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। तो टेक्निकल ढंग से विड्रावल ऑफ द माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। तो प्रत्याहार हम सीखते हैं, प्राणायाम भी सीखते हैं, इसके बाद तत्व धारणा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। जब धारणा जिसको हम योग में कहा गया है, उसके भी मंत्राज हैं, उसके भी एक एक चक्र पे उनकी शेप साइज कलर और बीज मंत्र से पूरा उसको हिट करते हैं और वो साधना करते हैं, इसके बाद फिर आता है ध्यान। तो ये सारा प्रोसेस है, बिल्कुल टेक्निकल है, साइंटिफिक है, लॉजिक है, सीधा असर होता ही होता है, बशर्ते एक अच्छा सिखाने वाला आपको मिल जाए। तो इसको सीखने के बाद निश्चित रूप से आपका माइंड जो बहुत टर्बुलेंट है, एकदम जल की, शांत जल की तरह, एकदम कोई तरंगे नहीं उसमें, एकदम बढ़िया से और गोल अचीवमेंट में पूरी तरह मन फोकस। जिसका मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता है, बहुत सिंपल होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें पूरा एक सिस्टम है पूरा, उसको फॉलो करना पड़ता है और मिनिमम 2 बार सुबह और शाम उसकी साधना आप जब करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मन कैसे कैसे धीरे धीरे एकदम शांत होने लगता है। और आपसे बताएं, आप जीवन में एक बहुत ही अच्छा आनंदित जीवन, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड अनकम्प्रोमाइजिंग फाइटर, इस तरह के आप व्यक्तित्व के धनी आप बन जाते हैं। आपके चेहरे में ऑलवेज एक ग्लो, चेहरे में हमेशा प्रसन्नता, ऑलवेज खुशी का एक खजाना आपको मिल जाता है। और इस जीवन में, इस जगत में आप लगातार काम करते हुए, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य जीवन का वो है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय चो, सब्जेक्टिव अप्रोच
विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। ये हमारे जीवन का लक्ष्य, हमें जंगल नहीं जाना है, हमें समाज को छोड़ के नहीं जाना है, इसी समाज में रहते हुए और वस्तुगत जगत से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक आनंद पूर्वक एक सफल जीवन जीते हुए परमात्मा को पाना, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये मन को बिना कंट्रोल किए नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, निगेटिविटी कैसे हो, चिंता तनाव से कैसे हम मुक्त हो जाएं, तो ये सारी चीजें हैं। और हिप्नोटिज्म तो बहुत ही बिल्कुल क्विक, जैसे हम किसी को गोली देके कोई रोग ठीक करते हैं फिर इंजेक्शन लगाने से तुरंत असर होता है, तो हिप्नोटिज्म एक इंजेक्शन का काम करता है। उसको भी आप सभी लोग सीखें, सब लोग हिप्नोटिज्म सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो ना करें उसको एज ए प्रोफेशनल, बट कम से कम खुद के कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो मन को नियंत्रित कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं, और निश्चित रूप से आप लोग इसका लाभ लेंगे। और इस क्षेत्र में मेडिटेशन और प्राणायाम और अष्टांग योग पूरा, धारणा, प्रत्याहार, ये सब सीखेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको गारंटी के साथ में आप एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन, आनंदित जीवन जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।